हेलो, कैसे हो? आज हमारा संडे क्लास सिलेबस 29 है। क्या आप एक्साइटेड हो? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए हम लोग आज के सिलेबस को देखेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो? आपको याद है पिछला हफ्ता हमने क्या स्टोरी देखा था? हाँ, वो एक याजक था, उसका नाम क्या था? हाँ, वेरी गुड, जकरिया था। और उसको एक लड़का पैदा हुआ ना, उसका नाम क्या रखने को बोला? हाँ, यूहन्ना। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से याद रखे हो। ओके, अगर आज हमारे देश में या फिर हमारे शहर में कोई बड़ा आदमी आने वाला है तो लोग क्या करते हैं? बड़ा बड़ा बैनर लगाते हैं और टीवी में अनाउंस करते हैं, और वो लोग बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना ना कि इस तारीख को हम लोग आने वाले हैं करके। लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था, रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, एडवर्टाइजिंग नहीं था, या फिर ऐसा कोई भी पोस्टमैन भी नहीं था। अगर किसी राजा को कोई भी संदेश भेजना है तो जो अपने पास जो सेवक लोग रहते हैं उनको ही वो लोग भेजते हैं, बोलते हैं तुम इस शहर पे जाओ और सभी लोगों को बताओ कि मैं आने वाला हूँ, ऐसा करके। और जब वो यूहन्ना पैदा हुआ, उसके पापा जो जकरिया थे उन्होंने कहा ये मेरा बेटा परमेश्वर के लिए एक संदेश बनेगा, ऐसा करके उसके पापा ने कहा था। अभी ये जो यूहन्ना था वो बाकी लोगों के जैसे नहीं था, वो एक साधारण लाइफ जीता था। और जब वो छोटे से था उसका बड़ा होने तक वो जंगल में रहा करता था, और वो सभी लोगों से मिलजुल के नहीं था, वो अकेला ही रहता था। उसका जो बड़ाई था, ग्रोथ था, वो अकेला और जंगल में ही हुआ, वो बाकी लोगों से मिलजुल के नहीं था। मगर एक समय आया, परमेश्वर का वचन उस यूहन्ना तक पहुंचा, तब वो यूहन्ना उस जंगल से बाहर आया और यर्दन नाम के जो बड़ा सा नदी है उसके आसपास के सारे जगह पर जाकर वो बताने लगा, आप सभी लोग आपके पापों से मन फिराओ और जो काम आप कर रहे हो उससे परमेश्वर को दुख पहुंचता है वो काम मत करो और अपने पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो तो परमेश्वर आपको माफ करेंगे करके वो यूहन्ना सभी लोगों को बताता है। जो भी लोग दिखते हैं उनको कहता है कि आपके पापों से मन फिराओ, तो सभी लोग वो सुनते हैं और सब लोगों को डर लगता है कि ये क्या कह रहा है, और बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है उस जगह पर, और सभी लोगों को वो वही कहता है तुम अपने अपने पापों से मन फिराओ। और लोग उसके पास आके पूछते हैं हमें क्या करना होगा, तो वो बताता है तुम झूठा इल्जाम किसी पर मत लगाओ और किसी से भी उनके पैसे को छीनो मत, दूसरों के पैसे पर लालच मत रखो, अपने ही जो चीज है उसी में खुश रहना सीखो, ऐसा करके बहुत सारा चीज वो बताने लगता है। और सब लोग उसकी बात को सुनकर अपने पापों से मन फिराते हैं, सभी लोगों के सामने बोलते हैं हमें माफ करो, हमने परमेश्वर के शब्द को हमने सुना नहीं, हमने परमेश्वर को इनकार किया है, प्लीज आप माफ करो हमें करके बोलते हैं। वो यूहन्ना बोलता है आप बपतिस्मा लो तो परमेश्वर आपको जरूर माफ करेगा करके। और वो यूहन्ना किसी से डरता ही नहीं था और वो सच्चाई को बहुत बोल्ड से वो बोलता था, यही सच्चाई है। उस जगह पर एक राजा था जिसका नाम हेरोदेस करके था, और ये जो राजा लोग रहते हैं वो लोगों के पास बहुत ताकत रहता है और वो लोग के पास पैसा भी बहुत रहता है। और वो हेरोदेस के राजा को एक बार ये यूहन्ना ने देखा और बोला हे हेरोदेस, आप पाप कर रहे हो। क्या पाप कर रहे हैं?
वो जो हेरोदेस राजा है वो स्वयं उनका जो भाई है उनके भाई के पत्नी को उन्होंने अपना पत्नी बना लिया है। तो जो यूहन्ना था वो राजा को बोला, हे राजा सुनो, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। आप एक राजा हो, आप ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप आपके भाई के पत्नी को छोड़ दो, उसको मत रखो करके जो यूहन्ना था वो बहुत स्ट्रांगली वो राजा को बोला। अभी राजा को बोला तो राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने सोचा ये आदमी मुझे गलत बोल रहा है। तो राजा ने अपने सिपाही को बोला उसे पकड़ लो और जेल में बंद कर दो। ऐसा करके वो राजा ने बोला और उसके सिपाही जाकर वो यूहन्ना को पकड़ के जेल पे डाल दिए। वो उसे मारने चाहता था लेकिन वो डरता था क्योंकि सभी लोग उस यूहन्ना को एक भविष्यद्वक्ता बोलते थे। तो हेरोदेस राजा डरता था लेकिन एक समय पर वही हेरोदेस ने उस यूहन्ना को कत्ल करके मार डाल दिया। इस यूहन्ना के जीवन से बच्चों हम क्या सीख सकते हैं? हम सभी को एक दिन मृत्यु आने ही वाला है लेकिन हमारे जीवन में हमें हर वक्त सच्चाई को ही भूलना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई का ही साथ देना चाहिए, झूठ का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो गलत है हमें उसे गलत बोलकर बताना चाहिए। गाली देना गलत है, दारू पीना गलत है, गलत रिश्ता रखना गलत है, ये सभी चीज़ों को हमेशा हम बोलना चाहिए ये गलत है। वो यूहन्ना किसी से नहीं डरता था क्योंकि उसको पता था वो सच्चाई बात कर रहा है। और उसी तरह हमें भी सच्चाई बोलने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। याद रखेंगे इसको। अभी हम एक सुंदर सा वचन देखेंगे। आप लोगों ने देखा वो यूहन्ना का जीवन के बारे में, वो यूहन्ना डरता था क्या? अरे मैं राजा को ऐसा बोलूंगा तो राजा मुझे जेल में डाल देंगे, मुझे मार डाल देंगे, ऐसा करके यूहन्ना डरा क्या? नहीं डरा। और उसी तरह हमें भी कभी भी डरना नहीं चाहिए सच्चाई को बोलने के लिए। जो सच है उसी का साथ देना चाहिए, झूठ का साथ कभी नहीं देना चाहिए। ओके, अभी हम एक सुंदर सा वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 16:13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये वचन कह रहा है जो सत्य का आत्मा जब हमारे पास आएगा हमें सभी सत्य के राह पर वो चलाएगा। अब ये सत्य का आत्मा कौन है? हाँ, यही यीशु मसीह है। जब वो यीशु मसीह हमारे जीवन पे आएंगे वो हमें सभी चीज बताएंगे, क्या सच है क्या गलत है, कौन से रास्ते पर चलना है कौन से रास्ते पर नहीं चलना है। ये सभी चीज़ों को हमें कौन बताएगा? ये सत्य का आत्मा, मतलब यीशु मसीह जब हमारे जीवन पे आएंगे वो हमें सत्य का रास्ते पर चलाएंगे। हमें कभी भी झूठी बातों का साथ देने के लिए वो नहीं देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये यीशु मसीह को बोलना चाहिए, आप मेरे जीवन पे आओ, मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलाओ, मुझे सत्य के रास्ते पर चलाओ, मुझे सारे झूठ के मार्ग से दूर रखो करके हमें यीशु को बोलना चाहिए। ओके बच्चों, इस वचन को याद रखना। अभी हम जाएंगे हमारे प्रेयर सेशन में। आज हम लोग इस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, हमें क्या रास्ते पर चलना चाहिए? सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे लिए क्या जरूरत है? सत्य का आत्मा। और वो सत्य का आत्मा कौन है? यीशु मसीह। तो हमें यीशु मसीह को बोलना चाहिए, यीशु मसीह आप मेरे जीवन पे आओ और हमें
सत्य के मार्ग पर चलाओ करके हमें यीशु मसीह को बोलना जरूरी है। ओके, अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओके, सभी अपने आंखें बंद करेंगे और हाथ जोड़ेंगे। ये प्यारे यीशु मसीह, इस सुंदर से समय में हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे जीवन पे आओ और हमें जो सत्य का मार्ग है उसी पर चलाओ। सारे झूठे रास्तों से हमें दूर रखना और बुराई का हम साथ नहीं देना चाहिए और झूठ बातों का हम साथ नहीं देना चाहिए और पापों का हम कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। जो सत्य है, जो सच्चाई है, उसी का हम लोग साथ देने के लिए आप हमें सहायता करना, आप हमें मदद करना। हम कभी भी किसी को भी देखकर हम डरना नहीं चाहिए सच्चाई को बोलने के लिए। आप हमारे संग हमेशा बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और आप हमें स्ट्रांग करना और आप हमारे संग हमेशा रहना। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आप लोगों ने देखा आज का संडे क्लास सिलेबस, हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए? सत्य का रास्ते पर चलना चाहिए और झूठ के रास्ते पर कभी भी नहीं। और सत्य का मार्ग पर चलने के लिए हमारे साथ कौन चाहिए? यीशु मसीह चाहिए। तो यीशु मसीह को हमारे जीवन पे हमें बुलाना चाहिए और हम कौन से रास्ते पर चलना चाहिए? सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। ओके, ये संडे क्लास को जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगला हफ्ता हम फिर एक और सिलेबस में मिलेंगे। तब तक बाय।